हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी। और स्टूडेंट, ये जो मेरा नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज लेके आया और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट, आज देखिए मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जो परम्यूटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ड्स हैं उनको हम अगर आपको अरेंजमेंट के लिए बोला जाए कि कैसे हम यहाँ पे उनको अरेंज करेंगे, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आई टी बार है यहाँ पे जाके मेरे पुराने जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस देख लीजिए, प्लस जो परम्यूटेशन पे जो टॉपिक पढ़ा है वो भी एक बार देख लीजिए, देन इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला। तो स्टूडेंट देखिए, परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स विद अ गिवन लेटर। स्टूडेंट, आपको एक लेटर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस लेटर को हम कितने तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला जाए कि एक्स्ट्रा, राइट, ये एक वर्ड है, EXTRA, राइट। आपको ये बोला जाए कि इस वर्ड से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्वियसली जैसे मैंने इससे पहले वाले जो लेक्चर बढ़ाए थे जहां पे मैंने आपको परम्यूटेशन का कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि डिजिट दे रखा था आपको, कितने नंबर का डिजिट बना सकते हैं, राइट। सेम यहां पे वर्ड्स दे रखे हैं, तो कंसेप्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो देखिए यहां पे जैसे ये पांच है, राइट, कितने, एक दो तीन चार पांच, राइट। और इन पांचों लेटर को अपने को क्या करना है, अरेंज करना है, राइट। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, देखिए फाइव लेटर है और इन फाइव लेटर को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 5P5, राइट। तो इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट 5 factorial, मैंने आपको बताया था, राइट। और अगर यू देखा जाए नॉर्मल, अगर इन परम्यूटेशन का कंसेप्ट ना लगाना चाहे तो भी आप देख सकते हैं, जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो ये हमारे पास पांच लेटर का वर्ड बनेगा ऑब्वियसली, तो स्टूडेंट ये देखो, अब कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि सब एक ही बार आ रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये EXTRA, ये पांच लेटर, इन पांचों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, तो पांच ऑप्शन है फर्स्ट पोजिशन के लिए, राइट। पर अगर ये फर्स्ट पोजिशन पे पांच में से कोई एक आ गया, अब बच्चे कितना हमारे पास, चार लेटर, तो यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है, चार आ सकता है, इसी तरीके से नेक्स्ट पोजिशन पे कितना आ सकता है, थ्री आ सकता है, टू आ सकता है एंड वन आ सकता है, राइट। तो ये हमारे पास टोटल तरीके होंगे, दैट इज कॉल्ड 5 factorial। और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 120 आएगी। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। पर स्टूडेंट अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि EXTRAA, राइट, ये एक लेटर आ गया हमारे पास, है ना, एक्स्ट्रा, राइट, डबल ए आ गया। अब आपसे देखो ये छह लेटर आ गए, राइट। अब आपसे बोले कि भैया इससे हम कितने तरीके से यहाँ पे लेटर्स को बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना, कितने वर्ड टाइप के लेटर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, इन लेटर से, राइट, कितने टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच और छह, राइट। तो स्टूडेंट हम तरीके वही आएंगे, 6 factorial आएगा, क्लियर, देखो 5 तो 5 factorial। पर स्टूडेंट यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आ गई कि जो ए है ये दो बार रिपीट कर गया, और जब दो बार रिपीट कर गया तो इसको हम दो बार रिपीट कर गया तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पे कि जैसे एन हमारे पास वर्ड्स है, उसमें जो एन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स हैं जो पी टाइम रिपीट कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो क्यू टाइम रिपीट कर रहे हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो आर टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट का फार्मूला होता है वो होता है n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहां समझाया कि ए दो बार आ रहा है तो यहां पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 factorial आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, अगर देखो सभी लेटर्स अलग अलग है तो नंबर ऑफ जो वर्ड्स होंगे वो उनके फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। पर स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर वर्ड्स दो बार आ रहा है, मतलब लेटर दो बार आ रहा है या तीन बार आ रहा है, तो जितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी बार उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म विद द लेटर वर्ड दहली। स्टूडेंट ये दहली वर्ड है, इससे अपने को बनाना है। अभी कंडीशन दे रखी, देखो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये बोल रहा है कि दहली के अंदर जो डी है वो पहले आना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट देखिए दहली में कितने वर्ड है हमारे पास, एक दो तीन चार और पांच, राइट, कितने वर्ड हमारे, कितने लेटर है, सॉरी लेटर कितने हमारे पास, पांच है, क्लियर है। अब आपको डी यहां पे बिगिनिंग में आना चाहिए, राइट। तो एक दो तीन चार और पांच, राइट, इसमें बोल दिया कि डी फिक्स है, डी पहले आना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो पोजिशन बची वो कितनी बची, चार बची, है ना। इन चार पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स को लाके जा सकते हैं। अब चूंकि ये बोल रहा है कि जो दहली वर्ड था, मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि ये जो दहली वर्ड था, इस दहली वर्ड के अंदर डी तो फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया। अब हमारे पास बचे कितने, चार, राइट, मतलब ये डी वर्ड जो, ये डी लेटर जो है फिक्स हो गया, हमारे पास कितने लेटर बचे, चार लेटर बचे। अब इन चार में से हमें यहां पे हमें अरेंज करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, चार लेटर है और चार पोजीशन है, भर दो इसके अंदर। कैसे, फर्स्ट पोजीशन पे कितने तरीके से आ सकता है, चार, सेकंड कितने तरीके से आ सकता है, थ्री, देन टू, देन वन,
तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24 इज द आंसर। स्टूडेंट अगर आप परम्यूटेशन से करने की इच्छा रखते हैं तो भैया 4 पोजीशन है और 4 हमारे पास लेटर है, तो 4P4 हमारा आंसर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन का कांसेप्ट है, इसमें नॉर्मल तरीके से आप इसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बोल रहा है एंड्स विद द आई, ये बोल रहा है कि आई के साथ एंड होना चाहिए। भैया सेम टू सेम क्वेश्चन, आई के साथ एंड होना चाहिए, तो मैं आई के साथ एंड वाला आपको बताता हूं। देखो ये वाला तो समझ में आ गया, इसको मटा देते हैं। राइट, अब आपसे बोल रहा है कि जो आई के साथ है वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। राइट, तो आई के साथ एंड होना चाहिए मतलब क्या हो गया, वही 5 पोजीशन, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बोल रहा है कि आई यहां जाना चाहिए। राइट, ये जो आई है यहां फिक्स हो गया, क्लियर है। अब बची हमारे पास कितनी, 4 पोजीशन और वापस 4 लेटर है हमारे पास। राइट, तो इन चारों को 4 तरीके से यहां पे अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। क्या आएगा, 4, then 3, then 3, then 2, then 1। स्टूडेंट यहां पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 फैक्टर दैट इज इक्वल टू 24 इज द आंसर। राइट, तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो यहां पे क्या आएगा, 24 इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हैज द लेटर एल ऑलवेज इन द मिडल। ये बोल रहा है कि जो एल लेटर, ये जो एल लेटर ये कहां होना चाहिए, हमेशा मिडल में होना चाहिए। स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एल हमारे पास मिडल में है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे, अगर एल हमारे पास मिडल में तो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, एल मिडल में होगा। राइट, तो मैं इसको यहां करके बताता हूं। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, और ये बोल रहा है कि जो ए लेटर है वो यहां आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये लेटर यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, 4 ऑप्शन बचे, इन चारों को यहां पे वही कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एंड आंसर इज 24 सेम। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है फोर्थ वाला भी। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो यहां पे समझने की कोशिश करिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यहां पे कि बिगिनिंग विद द डी एंड एंड्स विद द आई। ये बोल रहा है कि डी से तो स्टार्ट होना चाहिए, आई से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 लेटर वर्ड, 1, 2, 3, 4 और 5। ये बोल रहा है डी से तो स्टार्ट होना चाहिए और आई से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। मतलब ये यहां पे फिक्स हो गया, ये यहां पे फिक्स हो गया। क्लियर है, अब आपको ये 3 पे खेलना है कि ना, 3 आपके पास लेटर है और 3 पोजीशन है, तो भैया नॉर्मल है कितना आएगा, 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, क्योंकि यहां पे सभी वर्ड्स, यहां पे जो वर्ड्स में सभी लेटर के डिफरेंट है, तो हमने यहां पे किसी से डिवाइड नहीं किया। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा उसमें रिपीट करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहां पे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। स्टूडेंट आप देखिए इक्वेशन में कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और एक भी लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सब एकदम अलग अलग है ना। देखो ई एक बार आ रहा है, क्यू भी एक बार आ रहा है, यू भी एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, टी भी एक बार आ रहा है, आई भी एक बार आ रहा है, ओ भी एक बार आ रहा है और एन भी एक बार आ रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे पास लेटर है वो सब डिफरेंट है, तो भैया हमारे पास 8 है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें यहाँ पे 8 आएगा, देन यहाँ पे कितना आएगा, 7, देन ये आएगा 6, देन ये आएगा 5, देन ये आएगा हमारे पास 4, देन ये आएगा हमारे पास 3, देन ये आएगा हमारे पास 2, देन ये हमारे पास आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इज द आंसर। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन से करना चाहें तो परम्यूटेशन हम जानते हैं कि अगर n लेटर है हमारे पास और n पोजीशन है, तो n पी n तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप कितने 8 है और 8 को ही हमें अरेंज करना है, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इज द आंसर, और वही हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर है, सो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवेल कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। स्टूडेंट यहां पे बोल रहा है कि जो इक्वेशन वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग आना चाहिए वो कहां, किस वर्ड से आना, किस लेटर से आना चाहिए, वोवेल से आना चाहिए। स्टूडेंट हम जानते हैं वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ और यू। स्टूडेंट ये सब हमारे पास वोवेल होते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया ए आ रहा है क्या इसके अंदर, यस एक मिनट, ए आ रहा है, यस ए आ रहा है, ई आ रहा है, बिल्कुल ई आ रहा है, आई आ रहा है, बिल्कुल आई आ रहा है, ओ आ रहा है, बिल्कुल ओ आ रहा है, यू आ रहा है, बिल्कुल यू आ रहा है, भैया पांचों आ रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे कि टोटल कितने 8 इक्वेशन में कितने लेटर है हमारे पास, 8 लेटर है। क्लियर है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है, पर ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आना चाहिए आपका, वो वेल आना चाहिए, मतलब 5 इन 5 में से कोई एक यहां पे आना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट पोजिशन को भरने के लिए कितने लेटर है, 5 है। राइट, इन 5 में से कोई एक आ सकता है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम, 5। क्लियर है भैया, ये भी आ सकता है, 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 फर्स्ट पोजीशन पे 5 भैया रिस्ट्रिक्शन हो गया, 5 ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। क्लियर है,
अब बाकी जो सेवन पोजीशन है उसमें कुछ भी आ सकता है, पर जो यहां आ गया वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी एक इन पांचों में से कोई एक आएगा तो बचे कितने हमारे पास, सात लेटर है ना भाई, ये टोटल आठ है ना, इसमें से एक बुक हो गया, बचा कितना, सात। अब आप बोलोगे सर एक बुक हो गया, पांच क्यों लिखा, अरे भैया पांच ऑप्शन थे, इन पांच में से एक आता। नॉर्मली अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बोलता था, हम लिखते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन, हमने यहाँ पे आठ सात किया था राइट, पर वहां पे कंडीशन दी, यहां कंडीशन दे दी कि फर्स्ट किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो वेल से स्टार्ट करना। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के भरने के लिए पांच ही हमारे पास ऑप्शन है राइट। अब हमारे पास क्या हो सकता है, यहां पे सेवन आ सकता है, देन अब हम वही सिक्स आ सकता है, फाइव आ सकता है, मतलब अब हमारे पास सिक्स ऑप्शन बचे, यहाँ छह ऑप्शन बचे, यहाँ पांच ऑप्शन बचे। स्टूडेंट ये तरीके से आप कर सकते हो, दिन आएगा हमारे पास फोर, दिन आएगा थ्री टू वन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फाइव इंटू सेवन फैक्टोरियल, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा आंसर पच्चीस दो सौ आएगा राइट। वो ये फर्स्ट पोजिशन हमने क्या कर दिया, ए ई आई ओ यू फिक्स कर दिया। फर्स्ट पोजिशन को हम पांच तरीके से भर सकते हैं, एंड देन रिमेनिंग जो पोजिशन हमारे पास उसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सेवन वर्ड है, सेवन लेटर है और सेवन पोजीशन खाली है, तो सेवन पी सेवन दैट इज सेवन फैक्टोरियल। ये तरीके से करो, ये तरीके से करो, बात बराबर है। सो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पांच इंटू सेवन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू पच्चीस सौ, पच्चीस हजार दो सौ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल। इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वर्ड है और आपको यहाँ पे पूछा जा रहा कि इस इंटरनेशनल जो वर्ड है इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं राइट। तो इसमें आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो लेटर्स है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तेरह इसके अंदर कितने हमारे पास लेटर है, तेरह लेटर है। अब तेरह लेटर में से देखो जो आई है वो कितनी बार आ रहा है, एक दो बार आ रहा है ना, आई हमारे पास टू टाइम रिपीट कर रहा है ना, आई कितनी बार रिपीट कर रहा है, टू टाइम रिपीट कर रहा है। इसमें देखो टी, टी भी हमारे पास कितनी बार रिपीट कर रहा है, टू टाइम रिपीट कर रहा है। स्टूडेंट टी जो है हमारे पास कितनी टाइम रिपीट कर रहा है, टू टाइम रिपीट कर रहा है। और कोई देखिए यहाँ पे और कौन सा लेटर हमारे पास यहाँ पे रिपीट कर रहा है, देखो ए, ए भी हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो ए यहाँ भी आ रहा है और ए यहाँ भी आ रहा है। तो स्टूडेंट ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, टू टाइम रिपीट कर रहा है। और देखो स्टूडेंट और क्या रिपीट कर रहा है, देखो एन, यस एन, एन देखो यहाँ पे ये एन यहाँ आ रहा है, ये एन यहाँ आ रहा है और ये एन यहाँ रहा है। स्टूडेंट एन कितनी बार रिपीट कर रहा है हमारे पास, तीन बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको कितने तरीके से हम करेंगे, मैंने आपको बोला है कि टोटल यहाँ पे तेरह है तो तेरह रहने दो, एज इट इज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो रिपीट कर रहा है ना उसको नीचे डिवाइड करते जाइए, तो आई रिपीट कर रहा है तो टू फैक्टोरियल है ना, कितनी बार, टू टाइम रिपीट कर रहा है ना, सॉरी पहले एन ले लेते हैं अपन है ना, तो एन कितनी बार रिपीट कर रहा है, देखो यहाँ पे थ्री टाइम तो थ्री फैक्टोरियल, देन आई टू टाइम टू फैक्टोरियल, देन टी टू टाइम टू फैक्टोरियल एंड ए टू टाइम टू फैक्टोरियल। स्टूडेंट इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, थर्टीन फैक्टोरियल की वैल्यू इसके बराबर होती है, थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है, टू फैक्टोरियल टू टू। स्टूडेंट सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इतने तरीके होंगे जिससे हम इस वर्ड से हम इतने टाइप के लेटर्स को बना सकते हैं। पर स्टूडेंट यही ध्यान रखने की जरूरत है कि जो रिपीट कर रहा है उस उतने फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे एन तीन बार तो तीन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ना, आई दो बार तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे है ना, टी दो बार तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ना, ए दो बार तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, सीएसआईआर नेट में पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड यूजीसी सीएसआईआर है ना, यूजीसी सीएसआईआर, सो दैट यू एंड आई कैन नॉट कम टुगेदर। ये बोल रहा है कि यू और आई एक साथ में नहीं आना चाहिए, आपको वो अरेंजमेंट करना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम टोटल अरेंजमेंट देखेंगे पहले कि इसके टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छ और सात, सेवन फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट है राइट। और यहां पे देखो सी सी दो बार आ रहा, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, क्लियर है, ये टोटल अरेंजमेंट है, क्लियर है। इतने तरीके से इस वर्ड को जमा सकते हैं है ना, इस इतने वर्ड्स बना सकते हैं ये लेटर लेके, क्लियर है। पर आपको तो ये बोला गया है कि ये जो यू और आई है भैया ये साथ में नहीं आना चाहिए, पर हम क्या करेंगे, हम यहां पे साथ में आने, देखो ये तो टोटल तरीके हो गए, टोटल अरेंजमेंट्स हो गए राइट। अब हम क्या करेंगे, यू और आई एक साथ आए उसका अरेंजमेंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हम यू और आई को एक साथ ले लेते हैं ना, तो मैं इसको एक बॉक्स में पैक कर देता हूं है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास यहां पे, जी सी सी एस आर है ना। अब आप बोलोगे सर यू और आई तो इसने बोला साथ में नहीं आना चाहिए, फिर आप साथ में वाला क्यों कर रहे हो, अरे भैया मैं क्या करने वाला हूं, टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट माइनस कर दूं जिसमें यू और आई साथ आ रहा है, तो भैया हमारे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगा जिसमें यू और आई साथ में नहीं आ रहा है। अरे भैया ये टोटल तरीके हैं,
और ये वो तरीके देगा जिसमें यू और आई साथ में आएगा, क्लियर है? तो हम साथ में आने वाले को टोटल से माइनस कर देंगे तो बचे हुए कौन आएंगे जिसमें यू और आई साथ में नहीं आएगा। ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखो, यू और आई साथ में आने वाले टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक मानना है ना, जब भी किसी वर्ड को, जब भी किसी लेटर को साथ में लेना, उसको बॉक्स में पैक करके एक मान लो, राइट? तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच और छह, तो इसके तरीके कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट सीसी दो बार आ रहा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बोलो ये तो तरीके हो गए। पर स्टूडेंट ये यू और आई साथ में आ रहा है, तो भाई आई और यू दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यू आई और एक आई यू। इसने ये तो बोला नहीं कि यू पहले आना चाहिए, आई बाद में आना चाहिए, ऐसा बोला नहीं है ना। उसने क्या बोला? यू और आई साथ में आना चाहिए। इसका मतलब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहां पे यू और आई साथ में आने वाले के जो टोटल अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल होंगे। स्टूडेंट इसको माइनस कर देंगे तो साथ में आने वाले को टोटल से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिसमें यू और आई साथ में नहीं आएगा। तो इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट यहां पे, तो देखिए आप, ये जो 7 फैक्टोरियल है स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान दीजिए, 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल इनटू 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 फैक्टोरियल। अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना, 6 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, राइट? अब देखो यहां पे 6 फैक्टोरियल क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करेंगे यहां पे, तो 6 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा कितना? 7/2 - 1। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आता, नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास होती है 720, और इसको सॉल्व करेंगे यहां पे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5/2, राइट? और इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1800। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे भी मैं इस टाइप की क्वेश्चंस लेके आने वाला। अभी तो मैं खाली कंसेप्ट बता रहा हूं, अब नेक्स्ट में आगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं गेट में या फिर CSIR-NET में या फिर SSC में या बैंक में या जो भी सिलेबस में ये टॉपिक है, SSC में नहीं है पर बाकी दूसरे बैंक के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, तो वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और बने रही मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। स्टूडेंट ये मेरे वीडियोज हैं, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है, स्टूडेंट ये मेरा BSc और इंजीनियरिंग वाला जो चैनल है जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, ये वाला यहां पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरा नया वाला चैनल है जहां पर मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और स्टूडेंट ये मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc से रिलेटेड चैनल है, स्टूडेंट ये भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।